उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वॉज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। अभी भी उनकी जो अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से और मैं उनकी कैंपेन का आगाज करने लगी हूँ कल से। वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी अहलिया करेंगी हिबा फवाद। अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं जब तक हमारी ना अहली का फैसला नहीं आता। और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा। हैरानकुन बात हुई है कि मैंने जिंदगी में 75 साल की अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ें तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट खुद उठ के अडियाला आ रहा है ट्रायल सुनने के लिए, जिस जो कि आज खान साहब और फवाद का था। सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, आपके जजेस, आपके मेंबर्स, वो सारे के सारे अडियाला आए हैं। मेरे ख्याल से तो इसको हम वहाँ पे भी पेश कर सकते थे फवाद साहब को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब देखते हैं कि 19 तारीख को फर्दे जुर्म आयद करते हैं या नेक्स्ट पेशी डलती है, अभी इसका कोई पता नहीं है। आई थिंक आज इन्होंने नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने डेट दे दी है हमें 19 तारीख ना। आपकी मुलाकात हुई है? जी जी, मेरी मुलाकात हो गई है फवाद साहब से। क्या वजह ट्वीट की थी कि भाभी और भतीजियों के जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा है? आज आपकी मुलाकात हुई है, कोई रंजिश चल रही है आपस में आप लोगों की? नहीं, वो उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वो सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। कि देखें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी अहलिया हूँ, मेरे से उनके दो बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो इसके अंदर लॉयर हैं, उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बेट्रे नहीं करते। और मेरी ऐसी एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मैंने कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिबा को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तमाम फोकस केसेस पे है। फिर मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर ले हम। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, पिछली लास्ट नहीं नहीं नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनकी जो अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इट डजंट मैटर, आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है, क्योंकि हमने देखा कि वो पीटीआई से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है, तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं? देखें, इसके ऊपर तो मैं वही आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन यूं कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से और मैं उनकी कैंपेन का आगाज करने लगी हूं कल से, और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी अहलिया करेंगी हिबा फवाद इंशाल्लाह जेलम से। और देखते हैं कि अब ये ना अहल करते हैं या आगे क्या होता है, वो तो अभी डिसाइड होगा। इमरान खान और फवाद चौधरी की मुलाकात, ये हम डिसाइड करेंगे। मैडम, फवाद चौधरी और इमरान खान की अंदर मुलाकात हुई है अंदर? हाँ जी, सब आई मीन इकट्ठे बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन इन्होंने मुझे आगे नहीं बैठने दिया। जहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी, जहाँ पे उनकी अहलिया खान साहब की बैठी हुई थी, जहाँ पे सारी खवातीन, तो मुझे इन्होंने पीछे बिठाया, मुझे आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मैंने फिर भी बात कर ली, लेकिन ठीक थे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन आईपीपी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने आपको ये बात कही है कि अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं जब तक हमारी ना अहली का फैसला नहीं आता। और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा, लेकिन कैंपेन उनकी मैं रन करूंगी, ये डिसाइड हो गया। वो फिर रद्द अमल जी हम डिसाइड करेंगे कि क्या होता है, जो फवाद साहब कहेंगे उसके ऊपर फिर हम देंगे, एक एक करके कर लें। वो माफी देखिए रिजेक्ट हुई है तो ट्रायल चलाया है ना उन्होंने, जब आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं हुई तो केस खत्म हो जाए। बट दे डिसाइडेड आगे नहीं जाने दिया। आई मीन सिक्योरिटी थी ना, जेल के ही लोग होंगे ना, सिक्योरिटी थी। मैं भी अभी शायद पहला ट्रायल था, देखिए मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, दे वर वेरी काइंड विद मी। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं किया कि मैं कहूं कि जी बहुत इंतजामिया बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देंगे साथ, हमने खड़े होकर बात कर ली। पहले केसेस में फैसल चौधरी साहब आपसे राब्ता करते थे, किसी के बाद से आगाह करते थे? जी जी, मैं उनके साथ, आपको लगता है कि मुझे तो आई मीन लीगली हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ना, कि आगे लायमल क्या होना है, किस तरह हमने चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी है, तो एवरी थिंग इज डिसाइड और डिसाइड होता है जब हमारी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। ठीक है माशाल्लाह से जेलम, लेकिन तैयार हो जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। थैंक यू।
यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।